हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाइयों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक नेक्सरा एक की बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट, जो कि भाई बहुत ही जाने जाती है अपने सेगमेंट में, अपनी सियाज। भाई अगर देखी होगी आपने, जो दो तीन ही गाड़ियां हैं जो प्राइस सेगमेंट में आती है, एक वरना है और एक भाई अपनी आती है होंडा सिटी और एक सियाज। मैं तीनों की बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वाला कॉम्पिटिशन रहता है हमेशा से ही। और भाई ये भी अपने मतलब कि कंप्यूटर को अच्छा खासा मतलब वो देती है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे सारी की सारी अपने भाई, क्या इस अपना जो है जीटा वेरिएंट है, ये तकरीबन तकरीबन जो पड़ता है अपना भाई, अपना 11 लाख 11.5 लाख के समथिंग पड़ता है अपना ऑन रोड ग्रेटर नोएडा के अंदर। बस फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे आप, जो कि अपने भाई इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का आता है। अगर आप देखोगे तो भाई काफ़ी मतलब हाइट है नीचे से भी अपना उसका जो है, और मतलब ये देखोगे आप ग्लॉसी ब्लैक में इसकी जो ग्रिल मिलती है फ्रंट में, और अपना मारुति का भाई लोगो यहाँ पे क्रोम में यहाँ पे अपना काम मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और भाई इस वेरिएंट में आपको मतलब फुली लोडेड गाड़ी मिलती है। और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये जो भाई इसका फॉग लैंप मिलता है अपने हेलोजन में, और इसके सराउंडिंग में जो सिल्वर कलर का वो दिया हुआ है, इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और भाई ये मिलती है अपनी जो डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। अपना भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं आपको इसमें, और ये भाई ऐसा कुछ अपना जो है पूरी की पूरी गाड़ी का भाई ये देखो आप, बहुत मतलब यार जो कर्व्स है ना इसके एरोडायनामिक, वो मतलब बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार। ये देखो अभी भाई अगर आपको दिखाते हैं, हम लोग चलते हैं साइड में लेके। 185/65 R15 इसके टायर मिलते हैं, और भाई अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको इस वेरिएंट में, और अपना गुडियर के टायर मिलते हैं जो कि भाई बहुत ही मतलब बढ़िया है। मड फ्लैप अगर देखोगे आप इसके, तो भाई बॉडी कलर ही मिलते हैं यहाँ पे। आप देखो विंडशील्ड मतलब कि जो कि भाई काफ़ी फुल सेडान कार है भाई, तो अपना ब्रॉड काफ़ी ब्रॉड है भाई जो विंडशील्ड है, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई ठीक ठाक है। अपना अगर यहाँ पे देखोगे तो भाई अपना जो ORVM पे आई आपको भाई इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री मिलती है आपको यहाँ पे, और भाई क्रोम के अंदर ही आपको डोर हैंडल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई क्रोम ऊपर से लगा हुआ है, डोर ही मतलब भाई जो हैंडल्स हैं ये क्रोम में ही दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर से चिपकाया हुआ है। अभी चलते हैं आपको भाई रियर में लेके, रियर में क्या कुछ है इसमें ये देखो भाई। ये है ना, ये जो भाई इसकी स्मार्ट हाइब्रिड मिलती है कि अच्छा खासा एवरेज देती है गाड़ी भाई, जो कंपनी क्लेम करती है इसका अपना मोटा मोटा आपको भाई अपना जो है 20 का क्लेम करती है। ये देखो भाई अपनी सीएच की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पर, अपना जो मारुति का लोगो मिलता है आपको, डिफोगर वगैरह मिल जाता है आपको यहाँ पर। ये देखोगे आप तो कर्टेन वगैरह मिल जाते हैं जो पीछे से सनशेड्स वगैरह, जो भाई अपना जो दोपहर के टाइम पर भाई आपको जो है सन वगैरह बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। और ये जो LEDs हैं मतलब रात में जलने के बाद बहुत मतलब बढ़िया लगती है जो लुक है इनकी। ये 3 भाई जो ये देख पा रहे होंगे आप, 3 जो भाई ये स्ट्रिप्स बनी हुई हैं फ्लैटर भाई यहाँ पे हैं, ये अपने जो सिल्वर इसके सराउंडिंग में दिया हुआ है। अभी दिखाते हैं भाई इसको, आपका जो है बूट स्पेस भाई आई थिंक ये लॉक है, मैं आगे से खोल के आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये भाई अपना जो है पार्किंग सेंसर मिलते हैं 4 आपको उसमें, और बाकी आपको भाई लेके चलते हैं अभी 45 लीटर का टैंक मिलता है आपको उसमें। भाई पीछे से अपना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अपना जो दो उसमें भाई अपना जो है मिलता है, एक अपना जो दिया हुआ है भाई बेज कलर के अंदर और ब्लैक कलर, अपना जो 2 कलर थीम में अपना जो है पूरा का पूरा इंटीरियर मिलता है पूरा। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी रूमी रूमी फील होगा आपको, जो रिक्लाइनिंग एंगल है भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी का, पीछे वाली सीटों का जो है देखोगे आप तो बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है भाई, अपना जो 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको अगर आप देख पा रहे होंगे भाई। क्रोम में जो है ना मतलब कि जो हल्का सा मतलब ये जो दिया हुआ है इसके हैंडल्स वगैरह बढ़िया लगते हैं, मतलब एक प्रीमियम फील आती है। और ये अपना जो वुडन में भाई वो दिया हुआ है पूरा का पूरा, पावर विंडो के कंट्रोल है भाई, स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं आपको, 4 स्पीकर मिलते हैं भाई अपना जो है यहाँ पे आपको, AC वेंट मिलते हैं ठीक है भाई। अपना ये जो 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, वो छोटा मोटा सिक्के विक्के रखने के स्पेस मिलता है आपको वहाँ पे। और ये अपना भाई अपना ग्रैब हैंडल मिलते हैं, लाइट भाई ये जो है सेपरेट वही अपना उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, नहीं भाई इससे उसमें कैरी फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये पहले आई है गाड़ी। यहाँ पे अपना बोटल स्पेस, छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो भाई, हल्का मतलब कि सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलेगा आपको ये अगर आप देखोगे तो। ये हल्की सी भाई एक लाइन सी दी हुई है पतली सी बिल्कुल उसके लिए, मतलब बढ़िया लग रही है, मतलब बीच में जो है ना ये गाड़ी की भाई विड्थ भी ठीक ठाक है।
अपना भाई चलते हैं साइड में लेके, आपको दोनों ही साइड आपको मतलब कीलेस का भाई वो मिल जाएगा अपना वो फंक्शन जो है, वो चलते हैं आपको भाई ड्राइवर साइड लेके। क्या कुछ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो भाई अपना जो है पावर विंडो कंट्रोल हो गई, सेम मोटर होल्डर स्पेस मिलता है अपना जो है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, इसमें ये भी ठीक ठाक है भाई, इसका जो स्पेस वगैरह भी है। और अब चलते हैं अपना उस साइड लेके, आपको क्या कुछ मिलता है आपको। भाई दिखाते हैं आपको ड्राइवर साइड क्या क्या मिलता है आपको इसमें पूरा का पूरा। भाई यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, अपना इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल आपको मिरर मिलते हैं भाई गाड़ी में। ये अपने जो चार पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, मेरे स्पीकर की भाई अपनी जो स्पीकर मिलता है यहाँ पे आपको। और दिखाते हैं भाई अंदर जो है, भाई पीछे कर लेते हैं सीट को। ये भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का मिलता है आपको, एडल्स लाइट के कंट्रोल मिलता है, एडल स्टार्ट स्टॉप का मिलता है भाई। लाइट वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, छोड़ मल हल्का फुल्का सिक्के वगैरह रख सकते हो आप यहाँ पे अपने एसी वेंट्स। और ये सिल्वर जो सराउंडिंग में सिक्के दिया हुआ है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और बाकी अगर आप देख पा रहे होंगे तो भाई बोनट वोनट तो कुछ भी नहीं दिखता इसमें बिल्कुल, मतलब सडान कार है। तो अपना ये जो मिरर मिल जाता है आपको नॉर्मल वाला, और ये भाई अपने जो चश्मे वगैरह रखने के लिए, और ये आपको लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन है अपनी। बाकी अपना जो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 glass होल्डर का भाई स्पेस मिल जाता है आपको। और ये अंदर एक 12-watt का सॉकेट है भाई, वायरलेस चार्जिंग वगैरह का इसमें नहीं है भाई। अपना एक USB पोर्ट है और एक ऑक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है भाई आपको जो है, 7-inch की स्क्रीन मिल जाती है। और ये अपना भाई पार्किंग की पार्किंग लाइट मिलती है आपको, इसको हम लोग कर देते हैं बंद ठीक है। बाकी ये अपना नो आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पे, जो कि भाई स्लाइडिंग वाला नहीं है। बाकी ये भाई कुछ छोटा मोटा स्पेस रख सकते हो, सामान वगैरह रख सकते हो आप इसमें अपना। बाकी नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है टिकट होल्डर भाई। और यहाँ पे अपना जो है शीश मिरर मिल जाता है एक नॉर्मल डिसेंट सा। अभी बात करते हैं भाई MID की, ये देखो भाई बहुत बढ़िया सी लग रही है, मतलब कि जो है ना अपना जो स्मार्ट हाइब्रिड की भाई, इसमें जो अंदर आप देख पा रहे होंगे तो मिल जाती है अपनी जो मैचिंग है अपनी, एक डोर खुला हुआ है वो दिखा रहा है आपको MID के अंदर। ये अपने भाई इसके कंट्रोल्स हैं आपके मीडिया वगैरह कंट्रोल करने के लिए, गाने वाने चेंज करने के लिए। और इस साइड मिलता है आपको भाई अपना क्रूज कंट्रोल, आप अपना सेट कर सकते हो स्पीड अपने अकॉर्डिंग, और फिर अपना उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और यहाँ से अपना बोनट वगैरह भाई खोल तक, ये अपना डिग्गी भाई यहाँ से खुलती है इसकी, और ये अपना बोनट खोलने के नीचे से। और यहाँ पे डेड पेडल भी आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और क्लच वगैरह भी भाई इसका ठीक ठाक है, अपने ब्रेक हो गए नॉर्मल, एक्सीलेशन बढ़िया है एकदम, बहुत स्मूथ है बहुत ज़्यादा भाई। मारुति जाने जाती है अपने बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन के लिए, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है भाई। इन चीज़ें प्रोडक्ट हैं आपको दिखाते हैं बुट स्पेस गाड़ी का कैसा है भाई। अगर दरवाजे की क्वालिटी देखोगे ना आप तो भाई मतलब अच्छा खासा वेट है यार दरवाजे में, मतलब अगर विड्थ भी देख पा रहे होंगे आप तो ठीक ठाक है, मतलब कि यार फिर भी जो है ना गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलते हैं भाई। अपना जो पीछे से बुट स्पेस खुल गया है, अरे भैया पता ही गदर मचा रखा भाई, बहुत मतलब बढ़िया सा स्पेस दे रखा भाई, ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी सामान आप कैरी कर सकते हो अपने, ये स्टेप नहीं मिल जाती है भाई। अपना स्पेस भी ठीक ठाक है, बुट स्पेस भाई काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सामान कैरी कर सकते हो अपना। ये जो नेक्सा की बैचिंग यहाँ पे, और ये भाई जो क्वालिटी है इसकी वो भी ठीक ठाक है। और ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, कंपनी आजकल जो है अगर आप 4 meter साइकिल उसमें जाओगे सेगमेंट में तो कवर ही करना बंद कर दिया है इसको, बहुत ही बुरा लगता है यार वो, मतलब ये कवर कर दें तो कितना भाई कट लग जाएगा उसमें पड़ता था। ये जो शीट है हल्की सी अच्छी लगती है भाई कवर होने के बाद, जो इसकी क्वालिटी है वो भी बढ़िया है भाई। ये अपना कैमरा देख पा रहे होंगे आप, ये अपना भाई, अरे भैया उड़के जा रही है भाई। अपना CH की बैचिंग भाई, भाई ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही गया है गाड़ी में, 4 पार्किंग सेंसर अपने पीछे। तो भाई होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।